इस मॉड्यूल में हम फाइलम काइनोडामेटा के रिप्रेजेंटेटिव सी के कम्बर के अंदर लोकोमोशन को डिस्कस करेंगे अब जैसा कि सी के कम्बर के अंदर बॉडी आर्म्स नहीं है तो लोकोमोशन जो है इनके अंदर नॉर्मली इतनी एक्टिव प्रोसेस नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि सी स्टार्स जो, सी के कम्बर जो हैं दे आर मोस्टली स्लगिश बरोयर्स एंड क्रीपर्स ऑल दो कुछ जो हैं

बॉडी वॉल ऑसिकल्स लोकोमोशन फिर सीख कम्बर्स में नॉर्मली दिस रिजल्ट्स फ्रॉम कंट्रैक्शंस ऑफ द बॉडी वॉल मसल्स दैट प्रोड्यूस वर्म लाइक लोकोमोटर वेव्स एंड दिज वेव्स पास द लेंथ ऑफ द बॉडी अब इसमें एक और तरीका जिसके थ्रू सीख कम्बर्स जो है दैट कैन कन्फ्यूज और हार्म प्रीडेटर्स ज बाय प्रोपेलिंग सम टॉक्सिक मटीरियल्स प्रोड्यूसड फ्राम देयर इंटरनल ऑर्गन्स आर देयर बॉडीज इन द डायरेक्शन ऑफ अटैकर्स अब ये ऑर्गन्स जो है दे ग्रो बैक एंड इट मे सेव द एनिमल फ्राम द प्रीडेटर्स क्योंकि ये एक्टिव नहीं है एक्टिव लोग को मोशन नहीं है मूवमेंट नहीं है तो प्रीडेटर्स इनको ईजीली अटैक कर सकते हैं लेकिन नेचर ने चूँकि हर स्पीशी के एनिमल को सेव करना होता है उसके लिए इनके इंटरनली टॉक्सिक मटेरियल्स प्रोड्यूस होते हैं और वो टॉक्सिक मटेरियल्स जो हैं वो प्रीडेटर्स को प्रोपेल करते दिस इज द लोकोमोशन इन सीक कम्बर्स थ्रू दिस वेरी ब्यूटिफुल डाइग्राम वी कैन सी दैट ट्यूब फीट स्ट्रक्चर्स दैट आर नॉट प्लेइंग वेरी प्रोमिनेंट रोल इन लोकोमोशन थ्रू बॉडी मसल्स दे नॉर्मली स्क्रोल दैम through undulating movements but they are not so active swimmers or runners and they are slow and sluggish animals so there is no role of tube foot in making them active locomotory organelles are animals which we can say that they are active in locomotion but they are slow in locomotion and are sluggish animals that are not showing any prominent type of locomotion.